पहली तस्वीर जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर समीक्षा लगातार जारी है। इस बीच पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने अब जिम्मा संभाल लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सबसे मसालेदार और रोमांचक मुकाबले वाली कही जाती है और साथ ही साथ साबित होती भी दिख रही है। यहां तो जो हो जाए वही कम है। यहां के मतदाता जब किसी को सिर चढ़ाते हैं तो या तो पूरे मेहरबान ही हो जाते हैं या फिर पटक कर जमीन बिगाड़ देते हैं। आप राजनीति के कितने ही माहिर खिलाड़ी क्यों ना हो, यूपी वाले मतदाताओं के मूड को पढ़ना जरा मुश्किल ही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब समाजवादी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने और मजबूत स्थिति में लाने के लिए अब खुद मुलायम सिंह यादव ने कमान संभाल ली। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर इस हार को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा आगे की रणनीति बनाने में भी जुटे हुए हैं। हालांकि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव की क्या भूमिका होगी, इस पर सपा पार्टी के कार्यकर्ता अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव अब पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वो सीधे पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आगे की रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं। वहीं खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से अलग होकर खुद की पार्टी बनाने वाले और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि शिवपाल को मुलायम दोबारा सपा में शामिल करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो जरूर इससे सपा का वोट बैंक बढ़ेगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर मुलायम सिंह ने पार्टी की कमान संभाली है। साथ ही ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने यूपी में महागठबंधन को बनाने का काम किया था। अखिलेश यादव की वजह से ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ साथ खड़े थे। लेकिन चुनाव के बाद आए परिणाम ने सभी को हिला कर रख दिया। ऐसे में मुलायम सिंह का सक्रिय होना स्वाभाविक है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में जब सपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो फिर परिणाम क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति डेस्क।